पिछला दो वीडियो हमने क्या कैरम किंग का और वर्ल्ड ऑफ कैरम का गेम प्ले डाले, तो आप लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि कैरम पूल का वीडियो लाओ। जिस गेम पे कैरम का माचू है, जहां पे स्पोर्ट्समैनशिप का लॉरे जाता है, आप लोगों को बस वही गेम चाहिए वीडियो पे। तो हमने सोचा तथास्तु, जैसे आप लोगों का आज्ञा हो, शुरू करते हैं लूलू खेल। अभी तो आप लोग बहुत खुश होंगे, नया टेबल जो आ गया, काइरो का टेबल। छः छः नया स्ट्राइकर, दो दो नया पक्स, बताइए। लेकिन काइरो का टेबल आने से हमको कुछ ऐसा लगा जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो जब बजट लाते हैं, ऐसा ही कुछ लगा मिनी क्लिप का ये जो नया टेबल आया है, कायरो का टेबल। क्यों? क्योंकि जैसे उनका बजट आने से होता क्या है, कुछ कुछ क्लास, कुछ कुछ ज्यादातर अमीरों को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन आम इंसान के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा होता है। अब इस कायरो का टेबल पे कितना ऑर्डिनरी प्लेयर जा सकता है, आप लोग कितना जीत सकते हैं कायरो का टेबल? भाई अभी अभी आया है ये टेबल, ये टेबल अभी बिल्कुल बी टीम वाला टेबल है भाई, समझ रहे हो ना आप? एक चीज है, मैं एक चीज मानूंगा कि इस टेबल का कुछ कमी सा मेरे को महसूस हो रहा था, क्योंकि 55,000 कॉइन से सीधा 2,80,000 कॉइन तक का वो जो डिफरेंस था, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उस बीच में कुछ आना चाहिए था जो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, ये हमारा कायरो वाला टेबल। चलिए और बकचोदी ना करके एक गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस गेम पे जो वॉइस ओवर है वो बिल्कुल वॉइस ओवर नहीं है, बिल्कुल गेम का दौरान हम जो भी मेरा फीलिंग्स था वही हमने शेयर किया है। थोड़ा सा पिए हुए थे हम, ये अलग बात है। देखिए, अभी कायरो पे जाने के लिए जितना कॉइन चाहिए हमारे पास बस उतना ही है, तो एक चेस बॉक्स खाली कर लेते हैं भाई। क्या बताए आप लोग, बस ये सब प्ले कर रहे हैं हम। अभी देखिए, अभी है 5 अगस्त रात को 12:15, तो हम जा रहे हैं कायरो का फर्स्ट गेम प्ले पे। रिमेनिंग कॉइन हमारा शायद सिर्फ 9,000 रहेगा। हाँ बिल्कुल, 9,500 कॉइन है रिमेनिंग। और यहाँ पे हमारा ओपोनेंट को देखिए जरा, 18 रैंक का, बस 70% विन रेट है उनका, देखते हैं। भाई यहाँ पे बहुत ही खतरनाक चीजें हो रहा है हमारा। अरे वाह, ये कैसे हो गया पता नहीं मुझे। हम क्या करें, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में हम सोच रहे इनका ये कॉइन को हम अटैक कर देते हैं। अब देखते हैं भाई, खत्म करेगा तो करेगा, और क्या कर सकते हैं। हाँ मालूम है भाई, मालूम है, फिर भी चांस लिए हैं हम। ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या ये? ओ माय गॉड, आप देखिए, पता नहीं ये सब कैसे मार लेते। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे भी तो हाँ रेड या तो ब्लैक, कोई ना कोई तो घुस ही जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए ये ब्रश करने वाले हैं, आप बताइए भाई। भाई ये बी टेम का जो खेल है ना, हम क्या बताएं आप लोगों को, क्या बताए भाई। देखिए भाई, बताइए आप, बताइए आप भाई। क्या हुआ, सही तो जा रहा था वो। ये हुआ सही बात भाई, वही हम कहे भाई। ये क्या, एक भी कायरो हम जीत नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हाँ सारे का सारा गेम क्या,
यही भाई लोग ले जाएंगे। वही हम कहे भाई, भाई ये तो लेना ही पड़ेगा इस गेम को। और आप लोगों को तो बस यही कैरम पूल से मतलब है, हम और क्या कर सकते हैं, इसका क्या करें भाई, इसका क्या करें। कुछ भी कर लो भाई, ये लो, ये तो गलत सलत जगह पे फंस जाता है, यही हमारा दिमाग खराब कर देता है भाई। हाँ, एक तो बड़े मुश्किल से जीतने का हालत पे थे, वो भी चला गया है भाई। चलो भाई, एक कम से कम कायरे जीते हम। बहुत मुश्किल है भाई ये कायरो जीतना, क्योंकि सारे बीटेम भरे पड़े हैं यहाँ इस टेबल पे। क्या बे गांडू, क्या लोचा हो रहा है कायरो पे? और यमराज जी, आपको कैसा लगा इस कायरो का टेबल? अब कायरो का क्या बताए, हमको तो 8 ball पूल वाला कायरो ज्यादा पसंद है। ओ हा, आपको तो वो वाला कायरो पसंद है, 8 ball पूल वाला। हाँ, समझ रहे। लेकिन गांडू जी, यमराज जी, हमने सोचा कायरो गए तो तुम्हारे लिए कुछ लेते आए। हमारे लिए तोहफा? अच्छा, क्या है वो यमराज जी जो आप कहीं, आप कोई मम्मी फमी तो उठा के नहीं लाया हमारे लिए? अरे नहीं, कैरम पूल खेलते खेलते वैसे ही तेरा शकल तूते खामून जैसा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, दीजिए तो दिखाइए क्या लाए, हम अपना भाई लोगों को भी दिखाते हैं। तो ये रहा तुम्हारा तोहफा। अरे यमराज जी, बहुत बढ़िया, पूरा जीभ उठा के लाए आप इस शर्ट पे। अरे बताइए, ऐसा ही तो कुछ होना चाहिए ना? गांडू प्ले का इज्जत का सवाल है भाई। अब क्या बताए गांडू, हमेशा तो तू यही काला टी शर्ट पहन के बैठा रहता है। बट आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कायरो का गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे देखिए भाई लोग, पहली झलक में तो मुझे लगा कि मेरा सही में राउडी भाई से गेम प्ले लग गया। इनको देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये बिल्कुल रियली रियल राउडी फैन है, हार्डकोर राउडी फैन है, बिल्कुल फेयर प्लेयर, 100 रैंक का प्लेयर है और विनिंग बस 200 मिलियन भी नहीं। आप बताइए, प्योर फेयर प्लेयर है। और वैसे तो आजकल राउडी भाई का फोटो लगा के लोग बीटीएम से गेम प्ले कर रहे हैं, और जिससे राउडी भाई का बिल्कुल बहुत बड़ा बेइज्जती होता है भाई। अगर आप राउडी का फैन हो सही में, तो बिल्कुल इस भाई साहब की तरह बनो। लेकिन इस भाई साहब का नाम है मेरे ख्याल से विजय भाई। तो ये विजय भाई है बिल्कुल रियल वाले राउडी का फैन भाई। मैं बहुत खुश हुआ इनसे मिलकर, मैं उतना ही खुश हुआ इनसे मिलकर अगर मेरा सही में राउडी भाई से भी गेम प्ले लग जाता। इस खतरनाक बी टीम का ज़माने पे भी राउडी भाई का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को बरकरार रखते हुए 100 rank का प्लेयर है, अभी भी बिल्कुल फेयर ही खेलते हैं। और साथ ही साथ में उनका देखिए, उनका जो स्ट्राइकर का जो चॉइस है, ये दिया स्ट्राइकर और फ्लेयर पावर से भी राउडी भाई बहुत से गेम खेलते हैं। और यहाँ पे हमारा मौका, और हम तो ठहरे लुलू वाले, आप क्या करेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो अटेम्प्ट देखिए, आप भी राउडी भाई भी इस टाइप का सिचुएशन पे इस टाइप का ही अटेम्प्ट लेते हैं। ये अलग बात है कि राउडी भाई का पॉकेट हो जाता है और भाई का ज़रा सा मिस हो गया, लेकिन भाई आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस विजय भाई, ही इज अ रियली, ही मतलब ऐसे भाई कुछ है जिस वजह से कैरम पूल का जो पाप का घड़ा है वो अभी तक भरा नहीं है। राउडी भाई का ये बिल्कुल प्योर फैन है। अगर राउडी भाई ये वीडियो देखे कभी, तो आप देख लीजिए राउडी भाई, दिस मैन, दिस विजय, दिस मैन इज द
द मोस्ट आइडियल राउडी फैन भाई, ही फॉलोज यू बाय हिज हार्ट। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर राउडी भाई एंड दिस काइंड ऑफ राउडी फैंस ऑल्सो। इससे पहले कि इस वीडियो पे भी हम भूल जाए, आप लोगों को एक कमेंट दिखाना चाहेंगे राव औरंगजेब वाली फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो भाई हमको बहुत पहले से ही रिक्वेस्ट किए थे कि उनका कमेंट हम दिखाएं आप लोगों को, आपने तो कसम खा रखी है हमारा कमेंट शामिल ना करने की। राव औरंगजेब अली फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो औरंगजेब जी, राव जी, हम तो अभी डिस्प्ले किए हैं आपका ये कमेंट। आप लोगों को क्या लगता है भाई लोग कि मिनी क्लिप इतना अच्छा कब से बन गया कि एक ही बार में 6-6 स्ट्राइकर्स, जबकि वो एक एक स्ट्राइकर के लिए 250 रुपये तक रखता था, नया टेबल दे रहा है, दो दो पक्स दे रहा है, इतना कुछ एक ही बार में दे रहा है, और ऊपर से इस सीजन में भी वो वाला डिस्काउंट दे रहा है यानी प्रीमियम पास पे, किसी को 99 पे, किसी को 149 पे। इतना कुछ कैसे हो रहा है मिनी क्लिप पे? आप लोगों को मालूम है कि मिनी क्लिप बहुत लालची कंपनी है भाई। बी टीम का चलते इस कैरम पूल पे पहले जैसे इतना सारा यूजर्स एक्टिव नहीं रहा, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये जो यूट्यूब का वीडियोस है ये वही लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर आप भाई लोग देख रहे हैं, और मेरे को सबको मालूम है कि आप भाई लोगों में से आप लोग 50% आप भाई लोग तो खुद अपना जो भी गेम प्ले है उसको फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो अपलोड करते हैं। तो मतलब क्या, जो आम इंसान है, जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स है, वो लोग बहुत से प्लेयर्स बैक ऑफ कर रहा है इस कैरम पूल पे, और जिसका इफेक्ट उन लोगों को दिख रहा है अपना रेवेन्यूज पे। तो जिस चलते मेरा ख्याल से दिस इज द रीज़न, मेरा ख्याल से अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, ये शुरू हो चुका है, जब कैरम पूल के बहुत से प्लेयर्स दूसरे कैरम का गेम को अभी ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा तादाद पे नहीं लेकिन कर रहे हैं। बस वंस ए ट्रेंड स्टार्ट्स इट विल टेक इट पिक। अगर एड बॉल पूल जैसा स्ट्रिक्टनेस कैरम पूल पे ना आए तो भाई सिर्फ बी टीम वाले का अगेंस्ट में खेलेंगे, वही होने वाला है। बस आप ही लोगों के लिए मैं ये गेम खेल रहा हूँ, वरना मैं कब का ये गेम बिल्कुल ही छोड़ चुका होता। मैं क्या, मेरा ख्याल से जितने भी लेजेंड प्लेयर्स हैं अभी कैरम पूल के फेयर प्लेयर्स, वो लोग भी ये गेम छोड़ देता अगर उन लोगों को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड ना करना हो। ये मेरा पीछे जो गेट दिख रहा है और उसका बगल में ये जो ये इसका गेट का नीचे एक सुरंग है, ये सुरंग बहुत पुराना सुरंग है भाई, मतलब अंग्रेज़ों का ज़माने का सुरंग है ये, यहाँ पे जो कनेक्ट होता है एक मंदिर का साथ। बड़ा फेमस सा डाकू हुआ करता था यहाँ पे, उनका नाम था भवानी पाठक। उनको लेके बंकिम चंद्र ने एक नॉवेल लिखा था, देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी का जो डाकू था भवानी पाठक का जो मंदिर था, और ये वही है, इधर हमारा पीछे मंदिर है, और इस चिल्ड्रन पार्क का बीच में से ये सुरंग कनेक्ट करता है उस मंदिर तक। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो कायरो का जो चेस्ट जितना भी मिल रहा है, ब्रोंज चेस्ट हो, गोल्ड चेस्ट हो, सिल्वर चेस्ट हो, वो सब में दे क्या रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले ब्रोंज चेस्ट में तो हमको एक एपिक स्ट्राइकर का 8 पॉइंट मिला भाई, यहाँ पे देखिए प्राइड एपिक। फिर दोबारा 20 जेम्स दे के ओपन करने पे एक और पक पे पॉइंट मिला, न्यूक रेयर।
उसके बाद गोल्ड चेस पे देखिए, गोल्ड चेस पे बिल्कुल एक रेयर स्ट्राइकर ओपन हुआ है, सिंथ रेयर। तो आज का वीडियो पे बस इतना ही, बहुत तेज मिलते हैं आप लोगों से एक और नया वीडियो पे। तब तक कायरो का टेबल पे मस्ती कीजिए, लेकिन बहुत संभल के।